हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय गुप्ता। आप देख रहे हैं अभय मिक्स सीजिए। आइए आज नंबर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये कितनी उंगलियां हैं? करेक्ट, ये चार उंगलियां हैं। आपने काउंटिंग कहाँ से शुरू करी? वन से। ऐसे गिनाना आपने, 1 2 3 4। तो दोस्तों, हमेशा हम काउंटिंग वन से ही शुरू करते हैं, तो इन्हें काउंटिंग या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दोस्तों, सेकेंड है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। दोस्तों, अगर हम काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर देते हैं तो दोस्तों यही होल नंबर्स बन जाएंगे। कैसे दोस्तों? 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। दोस्तों, ये नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट की तरफ लिखे जाते हैं। इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। दोस्तों, होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव्स को मिला के इंटीजर्स बनते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, आप ये नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 ही होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखना, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, लेकिन ये इंटीजर है। दोस्तों, अब बात ये आती है कि ये नेगेटिव इंटीजर आते कहाँ से हैं। दोस्तों, जब माइनुएंड सब्ट्रैहेंड से छोटा होता है तब इसका डिफरेंस माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो एग्जांपल के तौर पर 2 -3 = -1, 3 - 4 = -1। दोस्तों, ये जीरो के दोनों राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लिखी जाती है, ये नंबर लाइन पर जीरो के। दोस्तों, ये नंबर लाइन पर जीरो के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पर लिखी जाती है। जीरो के राइट तरफ पर ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं, जीरो के लेफ्ट पर नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन और नेगेटिव इंटीजर हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आइए दोस्तों, डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में जानते हैं। द साइन बिफोर द नंबर इंडिकेट्स इज डायरेक्शन टू द राइट और लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन एंड वैल्यू इंडिकेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। इंटीजर्स आर कॉल्ड डायरेक्टेड। दोस्तों, इसका मतलब है जो साइन नेगेटिव या पॉजिटिव साइन जो नंबर के पहले आता है वो इंडिकेट करता है कि वो नंबर लाइन पर जीरो के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, और वैल्यू करता है कि उसकी डिस्टेंस करता है, डिस्टेंस इंडिकेट करता है कि वो कितना जीरो से कितना दूर है। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर +3। दोस्तों, +3 का मतलब है कि ये जीरो नंबर लाइन पर जीरो के राइट साइड में है और ये 3 स्टेप जीरो से दूर है। दोस्तों, -7 ये इंडिकेट करता है कि ये जीरो के लेफ्ट साइड में है और ये जीरो से 7 स्टेप्स दूर है। आइए दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स जानते हैं। फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। दोस्तों, इसका मतलब है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं। दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं +1 -12 से बड़ा है, +3 -3 से बड़ा है। दोस्तों, सेकेंड, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो। दोस्तों, इसका मतलब है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से बड़े होते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स जीरो से छोटे होते हैं। दोस्तों, एग्जांपल देख सकते हैं आप, +5 और 0 में +5 बड़ा है, +10 और 0 में +10 बड़ा है। दोस्तों, अब आप इधर देखिए, -6 और 0 में 0 बड़ा है और -100 और 0 में से 0 बड़ा है। थर्ड रूल, ग्रेटर द पॉजिटिव इंटीजर लेसर इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। दोस्तों इसका ये मतलब है कि जितने पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा उसका उतना ही नेगेटिव उतना छोटा होगा। दोस्तों, आप इधर देखिए, 1 2 3 4 ये बढ़ता चला जा रहा है और इधर आप देखिए -1 -2 -3 और ये छोटा होता चला जा रहा है। आइए दोस्तों, इंटीजर की एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू जानते हैं। एब्सोल्यूट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, द साइन एंड द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स टेकन टुगेदर इन एन इंटीजर इज नोन एज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू।
दोस्तों अगर हम नंबर के आगे हम कोई सा साइन लगा देते हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं -8, तो दोस्तों हम ये पूरा माइनस को लेकर पूरा 8 -8 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये माइनस लगा दिया, साइन लगा दिया हमने, हम साइन को भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब वो माइनस हो या प्लस हो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेगा। ऐसे देखिए -8 +6 -13 या +13 और जो आपकी मर्जी है वो प्लस ऑन। इफ वी इग्नोर द साइन ऑफ एन इंटीजर वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज डिनोटेड विद इन टू वर्टिकल बार्स। दोस्तों इसका ये मतलब है अगर हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, उसे एग्जिस्ट नहीं करते, हम सिर्फ उसका वैल्यू लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, सिर्फ नंबर, तो दोस्तों ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसे दो ऐसे वर्टिकल्स बार बना देते हैं जिससे ये पता चलता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। इधर आप एग्जांपल में देख सकते हैं ये 8 है, लेकिन हमने इसके आसपास वर्टिकल बार बना दी हैं, दोनों साइड वर्टिकल बार बना दिए हैं, यानी इसका मतलब हम इसकी साइन को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे हम इसके साइन को और सिर्फ इसकी वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ इसका नंबर लिखेंगे, तो ये नंबर है 8, तो 8। इसी तरह दोस्तों -8, दोस्तों हम ये वर्टिकल बार बना दिए हमने इसके दोनों तरफ, तो हम इसके जो साइन है इसको इग्नोर कर देंगे, हम इसको लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ इसके नंबर को ही लेंगे, तो दोस्तों ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब दोस्तों +8 हो या -8 हो तो वो एक्चुअली अगर हम वर्टिकल्स बार बना देते हैं तो मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इधर हम सिर्फ लिखेंगे 8। तो दोस्तों -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 8। इसी तरह 23 या -23, आप कोई सा भी नंबर लेकर अगर हम वर्टिकल्स उसके दोनों तरफ वर्टिकल्स बार बना देते हैं, मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हैं, उसके साइन को इग्नोर कर देंगे 23। इसी तरह हमने वर्टिकल बार बना दिए तो मतलब हम सिर्फ इसके साइन को इग्नोर कर देंगे, तो 23, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हुई 23। इसी तरह -23 वर्टिकल्स बार बना दिए तो हम साइन को इग्नोर कर देंगे, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई 23। दोस्तों यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।